गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आप सभी का फिर से एक बार न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जानकी जोशी, हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल से। और आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 9:30 बजे से। 9:30 हो गया है और अभी हो रही मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग, और अभी कोई काम भी नहीं कर रखा है। और सबसे पहले मैं आपको दे दूं एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी, और आज मेरे भाई की तबीयत जो है बहुत ज्यादा सही है, मतलब सही है भाई की तबीयत मेरी, और आप लोगों की दुआएं जो है काम कर गई। कल पूरी कॉलोनी ने मेरे भाई को आशीर्वाद दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सब ने मिलकर आशीर्वाद दिया होली में कि मेरे भाई की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए करके, और उनके आशीर्वाद जो है वो बहुत जल्दी लग गया है। पूरा 2 दिन से रोने में लगी थी, सामने सबके मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी, होली में भी जा रही थी, लेकिन मन के अंदर जो तूफान चला था वो कोई समझ नहीं सकता है। और तो सभी ने मेरे भाई को ढेर सारा आशीर्वाद दिया, और मेरा भाई की तबीयत जो है वो बहुत सही है। आज अभी फोन किया मैंने तो भाई बोल रहा है खाना तो अभी नहीं खा रहा है, पूरा यहाँ से कटा हुआ है तो, लेकिन बोल रहा है ये सबसे बड़ी बात है और सही है, अब अच्छा हो जाएगा भाई मेरा और जल्दी से ठीक होके घर आ जाएगा, तो फिर आपको मिलवाऊंगी। और दूसरी खुशखबरी ये है कि आज इतने लोगों के मैसेज आ रहे हैं, और सौरभ जोशी का व्लॉग आया 8 बजे, तो सौरभ जोशी के व्लॉग में मैं आई हूँ आज। उसने मेरे को बहुत अच्छे से ले रखा है तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और बच्चे इतना खुश हो गए कि मम्मी आप सौरभ जोशी के व्लॉग में आ गई, मम्मी आप सौरभ जोशी के व्लॉग में आ गए। किसी के व्लॉग में आना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सौरभ जोशी जो है हमारे हल्द्वानी का और इतने पूरी इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, तो ये बहुत बड़ी बात है उसके व्लॉग में आना, और इसलिए जो है बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। और सभी लोग मतलब यूट्यूब पर काफी लोगों ने मेरे पास मैसेज आ गया आज कि आपको दी, हमने सौरभ के ब्लॉग में देखा, आपको सौरभ के ब्लॉग में देखा करके। तो थोड़ा सा मुझे सौरभ की ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैंने सौरभ से बोला था कि मैं आपके ब्लॉग में बोलती हूँ कि प्लीज मुझे सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन सौरभ ने मना कर दिया। चलो कोई नहीं, वो उसका मैटर है, और लेकिन कोई नहीं, सौरभ बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल फैमिली है, बहुत रिस्पेक्ट करी और बहुत ज़्यादा सम्मान दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मुझे अपने व्लॉग में लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इतने लोगों ने मुझे देखा उसके व्लॉग में, 1 मिनट में कितने लाखों व्यूज आते हैं, तो लाखों लोगों ने मुझे देखा, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और कोई नहीं, उनने मेरे को बहुत बड़ा यूट्यूबर है ऐसा बोलना, उसके ऐसा अगर वो सबके ब्लॉगों को डाल देगा, सबसे बोलेगा कि सभी उसके ब्लॉग में बोलेंगे सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो, तो वो भी सही नहीं है। और कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी हो रही ब्लॉग की शुरुआत, और अब करती हूँ काम की शुरुआत। ब्लॉग में आप बने रहें, ब्लॉग कंटिन्यू चलते रहेगा, तब तक के लिए बाय। तो अभी मैं कर रही हूँ नाश्ता, और अपना नाश्ता लेके आ गई हूँ यहाँ पर, आलू गोभी की सब्जी और चाय, साथ में पराठे। और मैं आज लेके आई हूँ कढ़ाई में ही सब्जी, क्योंकि बच्चों ने खा लिया तो मैं अपने लिए कढ़ाई में ही लेके आ गई हूँ। अब मैं करती हूँ फटाफट से नाश्ता, और खाना बैठ गया यहाँ पर टीवी देखने के लिए। क्या देख रहा? आज तो बहुत खुश हो गया ना मम्मी को सौरभ जोशी के व्लॉग में देख के, है खाना ऐसे उछल रहा था सुबह, अभी तो कुछ नहीं कह रहा है ये, ऐसे उछल रहा था ना जब इसने मेरे को ब्लॉग में देखा। मैं भी था क्योंकि उसमें कह रहा, तो मेरे को देख के खुश हुआ या ज्यादा अपने को देख के खुश हुआ? दोनों को देख के कह रहा, दोनों को देख के बहुत ज्यादा खुश हुआ। तो फाइनली मैं आई गई हूँ सौरभ के ब्लॉग में, और फाइनली नाश्ता करके चूल्हा चौका भी हो गया है, और अभी फिर से थोड़ी देर में खाने की तैयारी हो जाती है। खाने में आज हमारा बन रहा है मटर पुलाव, तो ये मटर छिलके रख दिए हैं, और दिन में बनेगा मटर पुलाव। अभी हमने खा लिया रोटी सब्जी, उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह सब धो के रख दिए हैं, और किचन जो है वो पूरा क्लीन कर दिया है, बढ़िया करके साफ कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये होली की वजह से ऐसा हो रखा है, वो वहाँ पर रखी हुई है, और ये होली के पहने हुए कपड़े, सारे धुले हुए कपड़े, इतने सारे कपड़ों की तय लगानी है। कल मैंने इतने सारे कपड़े धोए थे होली के बाद, जो है बच्चों ने सारे कपड़े रंग दिए थे और इतने सारे कपड़े पहन लिए थे,
तो तीन तीन चार चार बार इन लोगों ने कपड़े बदले, तो इतने सारे मैंने कपड़े धोए थे, इसकी वजह से आज मेरी कमर में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द है। और ये कपड़ों के अब मैं तह लगाती हूँ, और ये जो मैट है इनको रखती हूँ दीवान बॉक्स में, और ये टेबल रखना है बाहर। अरे बिल्लू की भी तबीयत कुछ डाउन चल रही है, एक बिल्लू है उसने हमको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा ना, वो बिल्लू इसको बार बार काट दे रहा है, और बिल्लू भी आज मेरा थोड़ा सा ढीला ढाला हो रहा है। क्या हो रहा है बिल्लू, तबीयत सही नहीं है तेरी? इसको खाना दिया, थोड़ा सा खा के आया है, आज इसकी तबीयत थोड़ा मेरे को डाउन लग रही है। पैर में जो है इसके यहाँ पर काट रखा है यहाँ पर, तो इसको दर्द हो रहा, हाथ भी नहीं लगाने दे रहा है मेरा बिल्लू। फाइनली कपड़ों की भी तय लग चुकी है, अब इनको संभालती हूँ। लौकी की सब्जी, और आज इनके बर्तन भी धुले नहीं है, बहुत सारे बर्तन हैं, इनको भी धोती हूँ, क्योंकि खाना खा के ना मैं सो गई थी, और उसके बाद शाम के टाइम में चले गई थी मंदिर, मेरे को फोन आ गया था कि आज मंदिर में आ जाओ, आज लास्ट होली थी यानी दंपति टीका था आज, तो दंपति टीके के लिए हम लोग मंदिर में चले गए थे। वहां पर हमने बहुत सारी होली गाई, पहले एक मंदिर में गए फिर दूसरे मंदिर में गए, तो दोनों मंदिरों में हमने बहुत सारी होली करी, और उसके बाद फिर घर आके चाय पानी किया, जोशी जी का फोन आया, उनसे बातें करी, शिखा से बातें करी, तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत लोगों को फोन भी किया, भाई को फोन किया, भाभी को फोन किया, तो काफी फोनों में ही काफी टाइम चले गया था। उसके बाद चाय पी जाने मैंने, और अभी खाने की बना रही हूँ, और बच्चे किताब पढ़ रहे हैं निहारिका और खुशी, उनके पेपर चल रहे हैं। खाना काना यहाँ पर मस्ती से बिल्कुल टीवी देखने में लगा है, सौरभ जोशी का आर्ट वाला ब्लॉग। और ये आज इसने सोफे कुर्सी जो है फिर से बाहर ला के रख दी है, मैंने इसी की वजह से कुर्सियां अंदर रखी थी, ऐसे मस्ती करता है ये। अभी खाना वाना बन रहा है, फिर खाना खाएंगे। किचन में अगर सबसे ज्यादा परेशान करने वाली जो चीज होती है वो होते हैं बर्तन, तो बर्तन जो है, खाना तो अच्छा लगता है लेकिन बर्तन साफ करने बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो बहुत सारे बर्तन हो रखे हैं, इनको भी साफ करना है। सब्जी बन रही है लौकी की, और आज बहुत टाइम बाद लौकी की सब्जी बना रही हूँ, कढ़ाई में बना रही हूँ। ये कढ़ाई देखो आप, चिप्स पापड़ की तलने की वजह से, पूड़ी तलने की वजह से ये बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, हमेशा ऐसी रहती है। और फ्रिज हमारा आज 3 दिन हो गए हैं फ्रिज खराब हो रहा है, निहारिका ने फ्रिज फोड़ के रख रखा है, जो फ्रीजर है उसमें इसने क्या करा, चाकू मारा यहाँ, पता नहीं इसने क्या रखा, उसके बाद ये पूरा यहाँ गिरा हुआ है, और इसने यहाँ चाकू मार के, मतलब आइस निकालने में चाकू मारा होगा, तो उसकी वजह से फ्रिज जो है यहाँ पर चाकू लगने की वजह से सारी इसकी एयर जो है वो निकल गई है, और गैस निकल गई है, और फ्रिज जो है वो ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों, सौरभ जोशी वाली ब्लॉग में काफ़ी चीज़ें छूट गई थी जो मैं आपको दिखाना भूल गई थी, क्योंकि मेरे पास वीडियोस पड़ी थी, तो मैंने सोचा इस वाली वीडियोस में इसको ऐड कर देती हूँ, तो मैंने आपको बताया नहीं था, उसमें वीडियो मेरे पास बनी हुई थी लेकिन उसमें रह गया था ये क्लिप। तो यहाँ पर सौरभ जोशी का मकान बन रहा है, और तो मैंने सोचा मैंने आपको व्लॉग दिखाया था काफ़ी अच्छे से, उनके घर का व्लॉग दिखाया था बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छा सा लगा मुझे उनके घर जाके, बहुत सम्मानित लोग हैं वो। तो यहाँ पर उनका मकान बन रहा है, क्योंकि जहाँ पर हम लोगों का चाय नाश्ता हो रहा था ना, ठीक उसके बगल में उनका घर बन रहा है, तो मेरे दीपक ने बोला कि मम्मी इसको भी ले लो, और उसको मैं ऐड करना, मेरा रह गया था ये वाला वीडियो, तो मैंने सोचा आज की वीडियो में इसको ऐड कर देती हूँ, और आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कहाँ पर सौरभ जोशी का मकान बन रहा। तो यहाँ पर जो है सौरभ का मकान बन, तो ये व्लॉग को यही एंड करूंगी दोस्तों, और छोटा सा व्लॉग है, होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।